मिठाई अच्छे तरीके से बनाना ठीक है, और सारी बना के सबको बांटना, खुद नहीं पी जाना ठीक है। सुबह तो इतना जोश आ गया, मैं दो तीन पीतल के गिलास भी पीस गया। थोड़ी सी ना पत्ते कोशिश करना, थोड़ा बकरी को पिलाना, शाम को ये भी ठंडाई देगी, मिलके पियेंगे। एक बार जोरदार तालियां आप सबको और सिद्धू पाजी को, कॉमेडी नाइट्स की पूरी टीम की तरफ से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और पाजी अगर आज मैं जोश जोश में कुछ ओवर बोल जाऊं तो बुरा नहीं मानना, होली है। बुरा मानना, तेरी तो रोज ही होली है क्योंकि तेरी फैमिली पागलों की टोली है। पिट्टू 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 पिट्टू, अगर मैं तुझे बता दिया ना कि आज मोहल्ले में कौन प्रोग्राम करने वाला है तो तूने खुशी से उछल पड़ना है। कौन? जिसके गीतों में मिठास है, जिसकी आवाज सुनते ही कानों में मिश्री घुल जाती है। तो सिंगर आ रहा है कि रसगुल्ला आ रहा है? वो ना रसगुल्ले से भी ज्यादा मीठा है। अच्छा? One and only one clash king! फिर तो मैं बैठ के यहाँ पे एंजॉय करूंगा, तो मेरे को पहले क्यों नहीं बताया क्लैश खिला रहे? माइक वाइक तो ले आते हैं हम लोग, उन्हें माइक की क्या जरूरत है? लो जी उनकी आवाज तो 3 किलोमीटर दूर से सुनाई दे जाती है। चलो यहाँ पे बैठ के एंजॉय करते हैं एक बार जोरदार तालियां क्लैश खेल के लिए। ओहो क्लैश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कॉमेडी नाइट्स में। सर आपने आके 4 चांद लगा दिए होली में, जोरदार तालियां ठोको जरा। थैंक यू। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, शुक्रिया। और हैप्पी होली, आप सबको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी होली, हैप्पी होली। छागे गुरु। ओए पिट्टू, तू इनकी तारीफ किए जा रहा है, उसकी तो तारीफ कर जो इन्हें पकड़ कर लाई है। पकड़ के क्या लाई? वो बाहर भांग बेच रहे थे। नहीं नहीं नहीं, सिद्धू जी, मैंने बकायदा इनके चाचा जी अनुपम खेर को 300 रुपए देकर इनका शो बुक किया है। अच्छा? हाँ, टोटल शो 800 रुपए में बुक हुआ है इनका। एक तो तेरे को बात क्लियर कर दूंगा, अनुपम खेर इनके चाचा नहीं, और ना ही इतने कम पैसे में आते, समझ में आया ना? पता नहीं कहाँ कहाँ से मिलाती रहती अपने हिसाब से रिश्तेदारियाँ। कोई बात नहीं, इनके लिए कोई मुश्किलों को देख के ढेर हो जाता है, कोई खुशियों को देख के शेर हो जाता है, और जो खुशियों और मुश्किलों को कर ले अपनी मुट्ठी में बंद, वो दुनिया की नजर में कैलाश खेर हो। अरे वाह, कि 800 रुपए तो इनके लिए बहुत कम है, पर हमारी औकात के हिसाब से तो बहुत ज्यादा है ना। सुनिए कैलाशु, मैं सच कह रही हूँ ना? आप एक्चुअली सच के सिवा कुछ कह भी नहीं सकती, आपको देख के मुझे ये पूरा एकदम विश्वास ही नहीं, यकीन भी है, दोनों है मतलब। और वैसे भी इतनी छोटी उम्र में इतना मैच्योर्ड इंसान तो मैंने शायद ही देखा है। लाइन क्या? सुबह से इस पे किसी ने गुब्बारा नहीं मारा, लाइन क्या खाक मारा है? चलिए कोई बात नहीं, सुनिए आप मुझ पर लाइन चाहे मत मारिए, पर मेरी पर्सनालिटी को देखते हुए मुझे पता है आपके दिल में कुछ 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 हो रहा है। इलू इलू। हेलो भी सिद्धू जी। इलू इलू। कैसे शर्मा रहे हैं ओ तेरी। सुनिए आप मतलब मुझे देखिए ध्यान से और मेरे पे कोई गीत गा दीजिए। बुआ जी। हाँ जी। ओह नो, आई डोंट लाइक दिस वर्ड, प्लीज कॉल मी पिंकी, आई एम 22 ईयर ओल्ड, हॉट सेक्सी एंड ग्लैमरस। इनकी पर्सनालिटी के हिसाब से जो आपको, आपकी पर्सनालिटी और आपकी जो इस वक्त की हालत है उसके उसके हिसाब से मैं एक आपको गाना डेडिकेट कर देता हूँ। अरे प्लीज प्लीज, मेरे को समझ आ गई कि तो यहाँ मेरी दाल निकलने वाली, मैं मोहल्ले के किसी और परिंदे को दबोचती हूँ। ओके बाय बाय, हैप्पी होली।
थैंक यू, हैप्पी होली। थैंक यू कैलाश जी, थैंक यू सर, इतने खूबसूरत सॉन्ग के लिए। अच्छा आपको पता है अभी कैलाश जी ने ये भुआ को तो टरका दिया ये गाना सुना के, लेकिन आपको शायद बहुत सारे लोग ये नहीं जानते हैं कि कैलाश जी की लव मैरिज हुई है। कैलाश सर जब आपने भाभी जी को मतलब प्रपोज किया था तो आपने तब कौन सा गाना गाया था? पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि लव मैरिज नहीं है, अरेंज्ड मैरिज है। चाहे अरेंज मैरिज हुई उसके बाद तो प्यार हुआ ही होगा। हाँ प्यार तो होता है रहता है जी, प्यार का क्या है। पाजी मेरे मन में ना शुरू से ऐसी चीजें घूमती रहती हैं कि जो ऐसे लोग होते हैं इनके लिरिक्स भी आप देखिए गानों के बड़े मीनिंगफुल होते हैं, तो ये जो आजकल ये जो चलते हैं पल पल नामा टिंकू जिया टाइप, तो ऐसे गाने आपको ऑफर ही नहीं होते कि आपको होते हैं या मना कर देते हैं आप, या आपका दिल नहीं करता? मुझे एक्चुअली ऐसे गाने बहुत ऑफर हुए शुरू शुरू में और मैं ज्यादातर मना कर देता था। उन दिनों में इतना व्यस्त भी नहीं था, हालांकि इतना बिजी भी नहीं था कि मेरे पास ऑफरों के ढेर लगे हैं, लेकिन मुझे एक बात ये आई थी दिमाग में जैसी मेरी अपब्रिंगिंग हुई कि परवाह नहीं चाहे जमाना खिलाफ हो, चलेंगे वो रास्ता जो सीधा वे साफ हो। अरे वाह, कमाल कर दिया। उस वजह से नवजोत सर जीवन फिर ऐसे बनता गया कि जहां जहां मैंने उस पर सचमुच भरोसा किया वहां मेरा भरोसा कारगर होता गया, सिद्ध होता गया। इंसान के अज्म और हिम्मत का जब दूर किनारा होता है, तूफान में डूबी कश्ती का भगवान सहारा होता है। पर ऐसे गाने वाहियात टाइप के गाने मुझे अच्छे लगते हैं काफी, लेकिन लेकिन थोड़ा पर्सनल लेवल पर लगते हैं। जैसे कभी अकेले में हो दो चार ऐसे घटिया टाइप के जो मित्र होते हैं दोस्त, उन्हीं के साथ आप जैसे, आप जैसे मेरे जैसे ठोक दिया टोको टोको चलिए दिल को ये जान के खुशी हुई कि वैसे नहीं आप गाते लेकिन घर पे कभी कभी सुन लेते हैं। घर पे नहीं। अच्छा खबरदार अगर घर का नाम लिया। अच्छा। अभी मैंने बोला था कर कभी कभी बाहर जब ट्रेवलिंग करते रहते हैं घटिया दोस्तों में कोई जब ऐसी महफिल जमे तो वहाँ कभी कभी मन में आता है कि चलो यार कुछ घटिया बात करते हैं, तो बहुत मतलब बहुत अच्छी अच्छी बातें हर जगह हो रही हैं, लोग बहुत ज्यादा सीरियस समझ के कोई पैर छू रहा है कोई नमस्ते कर रहा है, तो फिर बोलते हैं अरे यार बहुत दिन से घटिया बात नहीं की, कुछ गाली वाली दे ना किसी को। जरूरी भी होता है कभी कभार। जरूरी होता है, टॉक्सिन जो होते हैं नवजोत सर, जो बॉडी के टॉक्सिन्स हैं वो सब तभी रिलीज होते हैं जब आप सचमुच की ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस रखें, संतुलन। जी ये तो है, तो जो आवक है थोड़ा जावक भी बने। अच्छा कैलाश भाई इंग्लिश गाना कभी आपने ट्राई किया? मेरा आपको देखने का दिल करता है कि आपका बड़ा धार्मिक सा मुंह है। हाँ। मतलब कि कभी आप इंग्लिश गाना गाए तो कभी आपने इंग्लिश गाना ऐसे गाया कभी आपस में ही कभी? नहीं मैंने इंग्लिश गाना गाया तो नहीं है, लेकिन मैं कभी कभी देखता हूँ इंग्लिश गाने। देखते कि सुनते हैं? नहीं ज्यादातर इंग्लिश जो है वो देखने का जो मजा है सुनने का नहीं है। कपिल अगर आप ध्यान से देखें तो एक तो इंग्लिश एज अ लैंग्वेज मेरे लिए बहुत ही अम्यूजमेंट, जिसको मतलब आप एकदम किंकर्तव्य विमूढ़ टाइप के हो जाएं, क्या है ऐसे वाले हो जाएं जिसमें आप ऐसे हो जाएं बावले से कि यार क्या है, क्या है तो बड़ी अच्छी चीज लेकिन है क्या। एक मिनट इट इज द कैलाश खे। मैं आपकी इतनी बड़ी फैन हूं, मैं बता रही हूँ इतनी बड़ी फैन हूं, मैं आपको बताऊं कितनी बड़ी फैन हूं। मैं तेरी दीवानी। ये जानकर तो बहुत अच्छा लगा कि आप दीवानी हैं, लेकिन आप अपना माथा क्यों फोड़ रही हैं? लेकिन मतलब आपने मेरा डांस देखा है ना पहले? हाँ, देखा है। हाँ बहुत अच्छा। ओह माय गॉड,
आपको समझ में आ रही है बात अभी कि मैं इस शहर में कितनी वर्ल्ड फेमस हूँ? डू यू रियलाइज? क्या आता ना कि मोहल्ले में जब मदारी आता है तो भालू आता है तो देख ही लेता आदमी। अब मैं मदारी हो गई। अरे मदारी किसने कहा तुम्हें? पलक ओ ओ ओ यानी कि भालू, कभी भालू कभी भैंस। देखिए आपको अगर जानवरों का इतना शौक है ना तो आप जू क्यों नहीं चले जाते हैं।